नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हत्या का सिलसिला जारी है। पश्चिम सिंहभूम के गोलकेरा थाना क्षेत्र के बिल्ला गांव चौक से बुरुदुया जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति की मंगलवार की रात पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। बुधवार की सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने शव को देखा, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। अभी तक इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। नक्सली पर्चा बरामद होने को लेकर अभी तक एसपी आशुतोष शेखर ने स्पष्ट तौर पर कोई जो है पुष्टि नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जांच चल रही है। नक्सली पर्चा बरामद नहीं हुआ है। हत्या के स्थान पर नक्सलियों से जुड़ा कोई भी पर्चा नहीं मिला है। शव की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, पश्चिम सिंहभूम जिला के कई क्षेत्रों में लगातार माओवादियों द्वारा मुखबिरी के नाम पर ग्रामीणों की हत्या की जा रही है। हत्या एक बार फिर से बुरुदुया जाने वाले रास्ते में शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शव का सिर पत्थर से पूरी तरीके से कुचल दिया गया है, इससे शव की पहचान नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि पूरे जिले में पुलिस नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इनके खिलाफ कारगर कार्रवाई के लिए चाईबसा पुलिस, कोबरा 209 बटालियन, 203 बटालियन, झारखंड जगवार और सीआरपीएफ के 60 बटालियन, 197, 157, 174, 134, 193, 26 बटालियन के टीमों का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि अब भी नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है।